हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पार्ट दो पानी के खेल के आपको कठिन शब्दार्थ कराएंगे, यानी शब्द अर्थ जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है उपकरण। उपकरण का जो अर्थ है वो है प्रयोगशाला में काम आने वाले सामान, जो लैबोरेटरीज होती है वहाँ पर जो मशीन्स होती हैं जिसमें टेस्ट किए जाते हैं, तो उन मशीन्स को हम बोलते हैं उपकरण, यानी प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में काम करने वाले सामान को। नेक्स्ट है पारदर्शी। पारदर्शी का अर्थ होता है जिसके आर पार देखा जा सके, यानी अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं और उसके आप पार भी देख लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं पारदर्शी, जिसके आसपास देखा जा सकता है। नेक्स्ट है मापक। मापक का अर्थ है मापने वाला उपकरण, यानी अगर आप किसी चीज़ को मापते हैं कि ये इसका वजन कितना है या कितना ये लीटर है, तो जिस चीज़ से आप मापते हैं एक ऐसा उपकरण, और उपकरण हमने अभी पढ़ा कि उपकरण क्या है, जो प्रयोगशाला में काम करने वाले सामान होते हैं, तो मापक हो गया किसी भी चीज़ को मापने वाला सामान यानी उपकरण। नेक्स्ट है यंत्र। यंत्र का अर्थ होता है औजार। औजार तो आप जानते ही हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए, चाहे वो हथौड़ी हो या कोई भी सामान हो जिसे जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं यंत्र या फिर औजार। नेक्स्ट है वाष्प। वाष्प का अर्थ है पानी का गैसीय रूप, यानी ईवेपोरेशन, और जब हम पानी को उबालते हैं तो गैस निकलती है, उबलता है पानी आप देखते हैं, तो वो ईवेपोरेशन होता है, तो जो गैसेस निकलती हैं वो होता है हमारा वाष्प, वाष्प बोलते हैं उसको, पानी का गैसीय रूप। नेक्स्ट है चतुर्भुज, और ये भी आप जानते हैं चार भुजाओं वाली बंद आकृति जो कि है चतुर्भुज, मैथ्स में भी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है जार, बर्तन का नाम। जार एक बर्तन होता है, जैसे कि ये जार हो गया जिसके अंदर हम जो है वो अचार वगैरह या कोई भी चीज़ रखने के काम आता है, तो ये है हमारा एक जार, एक बर्तन, ये बर्तन का नाम है जिसे हम जार कहते हैं, जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। इसके बाद है गायब। गायब होता है लुप्त। गायब लुप्त यानी कि जो दिखाई ना दे उसे हम कहते हैं गायब हो गया, वो लुप्त हो गया। तो ये इसके कठिन शब्द हैं, तो आप अच्छे से करना, और करना चाहते हैं तो लाइक करना वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।